बीते दिनों आम आदमी पार्टी के भिलाई जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पत्रकार वार्ता में उन पर आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की प्राइम लोकेशन की एक बड़ी जमीन को ऊंचे दाम में खरीदी है, जिस पर पलटवार करते हुए धर्मेंद्र यादव ने मेहरबान सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए अपनी सफाई पेश करते हुए पत्रकार वार्ता में जानकारी। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं और सनसनीखेज फैलाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। वो जमीन मैंने ली है, हाउसिंग बोर्ड ने पूरे छत्तीसगढ़ में ऑफर निकला है, उस ऑफर के अंतर्गत ली है। वो कहते हैं टेंडर से लिए हैं, तो ऑफर में मैंने वो जमीन ली है और किसी गलत तरीके से मैंने वो जमीन नहीं ली है। और आज मैंने अपने वकील के माध्यम से उनको नोटिस भेजा है और 10 करोड़ रुपया का मानहानि का दावा मेहरबान सिंह के ऊपर किया है। और वो 10 करोड़ के जो दावा मैंने उन पर किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे और मेरे परिवार को टारगेट करते हुए कई जगह उन्होंने दुरुपयोग किए हैं, कुछ पेपरों में भी छपे हैं। और मुझे मानहानि उन पर मैंने 10 दिन में अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, अगर नहीं मांगते हैं तो 10 दिन बाद उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोकूंगा। और उसको जीतने के बाद उस पूरे पैसे को जिला अस्पताल दुर्ग में दान भी करूंगा। अगर आप हार जाते हैं तो क्या करेंगे? मैं केस हारूंगा नहीं, इसलिए नहीं हारूंगा क्योंकि मुझे मालूम है मैं सही हूँ। कहाँ से कहानी की शुरुआत, इसका जीरो पॉइंट क्या है? विधानसभा से हुआ क्या, कुछ पैसे से मांगा? ये लोग प्रताड़ित करते रहते हैं, जब देखो तब कोई ना कोई मुझे टारगेट बनाता है। कुछ दिन पहले भी एक ने टारगेट बनाया था, उसने माफी मांगी और आज इन्होंने मुझे टारगेट बनाया है। हमेशा मेरे परिवार और किसी न किसी को परेशान कर रहे हैं लोग। भाई मेरी हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट का ऑफर था और पूरे स्टेट का ऑफर था, उस पर हमने वो जगह ली है। और उस जगह लेने के बाद अगर वो बोलते हैं कि उसका बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपया है, तो मैं आदरणीय मेहरबान सिंह जी से बोलता हूँ कि 10 करोड़ रुपया दिलवा दो, मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ और उसका जो भी पैसा आएगा उसको भी जिला अस्पताल में दान करूंगा और जो केस जीतूंगा जीतता उसको भी दान करता मैं। अच्छा, आपके परिवार का भी नाम है? हाँ। क्या है उसमें? क्या देखिए भाई, मैं अगर कोई ऑफर के माध्यम से अगर उसको लिया हूँ और उसमें मेरा व्यक्तिगत वो है कि मैं अपने परिवार में भाई बहन बहू माँ बेटा जिसको जुड़ना है जोड़ लूँ, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। कोई अगर पत्रकार भाई लोग सब लोग हैं, सब लोग बुद्धिजीवी, क्या अपने भाई भाई एक साथ में काम नहीं करते हैं? या भाई एक दूसरे का नाम नहीं जोड़ते? माँ अपने साथ बेटे का नाम नहीं जोड़ लेती क्या किसी की? हाँ भाई मैं मेरा बेटा रहे, तो ये पारिवारिक बात है। बताइए, मैं इसके ऊपर सिविल सूट भी करूंगा और मानहानि का दावा दोनों करूंगा अगर इन्होंने 10 दिन के अंदर माफी नहीं मांगी तो। दोनों करूंगा, इस लड़ाई को लड़ूंगा। और भिलाई में जितने लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को एक मैसेज दूंगा कि भिलाई में आम जनता को सुखी से रहने दीजिए। राजनीति करना है तो एक सही राजनीति करिए, सनसनी फैला के आप किसी को बदनाम करोगे वो राजनीति हम उसका विरोध करते हैं और उसको लड़ेंगे। आरटीआई संघ मना कर रखे हैं वो। आरटीआई संघ तो हर जगह मैं सुनता हूँ कि नगर निगम से लेके हर विभाग में वो आरटीआई लगाता रहता है, तो एक भी लड़ाई जीता हो या किसी को दोषी ठहरा, सनसनी फैलाने के लिए सब काम कर रहे हैं लोग।